पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद एक संडे गिफ्ट में मिलता है। वैसे गिफ्ट्स किसे अच्छे नहीं लगते, रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए, बॉस को सॉलिड वाला मक्खन लगाने के लिए, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए, बस एक गिफ्ट जरूरी होता है। और अगर आप किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही गिफ्ट कर दें तो 94.3 माय एफएम पर दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग में मैं यानी आरजे मीनाक्षी हूं आपके साथ लेकर ये शो माय मनी गुरु व्हिच इज ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया। एंड मेरे साथ है हमेशा की तरह फिनवेजिया के को फाउंडर नटी। नटी गुड वाला इवनिंग। हाय मीनाक्षी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं और मैं खुद बहुत हैरान हुई थी इस बार के टॉपिक पे कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिफ्ट करने का मतलब क्या है और कैसे हो सकती है। मीनाक्षी, यू नो जनरली व्हेनेवर वी थिंक अबाउट किसी को गिफ्ट देना है तो वी लुक एट टॉयज दे दिए, अगर कोई छोटा है, अगर कोई बड़ा है, वी लुक एट गिविंग देम सम एक्सेसरीज और थिंग्स लाइक दैट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज व्हेन यू गिफ्ट देम समथिंग दैट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म, यू नो, व्हिच कैन बी एन एग्जांपल, कैन बी गिविंग देम स्टॉक्स एज अ गिफ्ट। वी कैन गिव देम स्टॉक्स एज अ गिफ्ट। या डेफिनेटली यू कैन गिव स्टॉक्स एज अ गिफ्ट। एंड द गुड थिंग इज, यू नो, गिविंग स्टॉक्स एज अ गिफ्ट बेसिकली इज ऑलमोस्ट लाइक गिविंग देम समथिंग दैट्स गोइंग टू कीप ऑन पेइंग देम इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इन द वे if they ever have to sell the stock and if they ever need money right away they can sell the stocks and take the money out. There's no lock in over there. तो मतलब ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिफ्ट करने का मतलब क्या है, लेकिन अब इसे कर कैसे सकते हैं? मीनाक्षी, बेसिकली यू नो दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जैसे यूएस में कॉर्पोरेट्स गिव स्टॉक्स एज गिफ्ट टू देयर एम्प्लॉइज, पीपल गिव स्टॉक्स एज गिफ्ट टू देयर रिलेटिव्स। यू बेसिकली गिव देम गिफ्ट्स, अगर कोई एल्डरली है, यू गिव देम अ गिफ्ट ऑफ अ स्टॉक जिनमें हाई पेइंग डिविडेंड रहता है, जैसे कोलगेट, पामोलिव हो गया, अलाहाबाद बैंक वगैरह। यू गिव द स्टॉक्स, दे कीप ऑन गेटिंग इंटरेस्ट। मेरा बर्थडे आ रहा 23 अप्रैल को, मुझे कोलगेट के स्टॉक्स गिफ्ट कर देना। दैट्स राइट। एंड यू नो आल्सो इफ यू गिविंग टू यू नो basically a child, you know, those gifts can grow by the time he grows up. They can cash for their higher education, for their studies and things like that. Gift which actually gives you back. So, kaise gift karenge stocks? Iske bare mein hum janenge thodi der mein. Aap sunte rahiye 94.3 Mai FM ka ye show, My Money Guru, which is brought to you by Finvasia. वैसे आपकी कोई भी query है तो आप visit कर सकते हैं हमारी website www.mymoneyguru.finvasia.com पे, या फिर call भी कर सकते हैं 01-72-667-0000 पे. सुनते रहिए My FM. मीनाक्षी के साथ, जियो दिल से। 1947 में हमें मिली थी इंडिपेंडेंस और अब हमें मिलेगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्या बात है। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मीनाक्षी को, येट अनदर एपिसोड ऑफ माय मनी गुरु व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। एंड मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नटी। वेल नटी, हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, आपने बताया, अब मुझे बताइए कि स्टॉक्स आप गिफ्ट कैसे कर सकते हैं और क्या इस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हैं? मीनाक्षी, बेसिकली कैन गिफ्ट स्टॉक्स टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर फ्रेंड्स, यू कैन यू नो ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ स्टॉक्स इन मल्टीपल वेज। स्टॉक्स अगर आप किसी फैमिली मेंबर को या किसी ब्लड रिलेटिव को दे रहे हो तो देर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन इट, देर इज नो टैक्स दैट द रिसीवर हैज टू पे ऑन इट, एंड देर इज नो टैक्स दैट यू हैव टू पे ऑन इट। इफ यू आर गिविंग स्टॉक्स एज अ गिफ्ट टू एनी ऑफ योर फ्रेंड तो अप टू 50,000 रुपीज तक का आप स्टॉक्स गिफ्ट कर सकते हो एंड देर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन टू यू और द पर्सन हु इज रिसीविंग इट। चलिए अब ये तो मान लिया कि वाओ, मतलब कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, तो लेकिन अगर गिफ्ट करना हो तो फिर कैसे करें? सपोज आप मुझे स्टॉक्स गिफ्ट करना चाहते हो ऑन योर बर्थडे, राइट? ऑन माय बर्थडे, तो आप कैसे करेंगे? Basically, there are two major ways to do it. Either I can buy the stocks, get the stocks. If I already have stocks in paper form, I'll fill a form 7B and I'll sign it and give it to you. So basically, that the stock becomes your stock. You know, otherwise, if I have a stock in my DMAT account, I can transfer to your DMAT account by just signing a power of attorney on the stock, and that becomes a property of you know Meenakshi in this case. My God, तो मेरा बर्थडे याद है ना, मैं वेट करूँगी, साइन वाइन करके तैयार रखना। चले, क्या बात है, amazing यार। आप सुन रहे हैं My Money Guru, which is brought to you by Finvasia, और हर कोई पूछता रहता है मुझसे कि यार ये फिनवेजिया आप करते रहते हो, फिनवेजिया में अगर अकाउंट खोलना है वो तो कभी बताते नहीं। ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 94.3 एफएम मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ है, हमारे फिनवेजिया के को-फाउंडर नटी के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mymoneyguru.finvasia.com पे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 01-72-667-0000 पे। सुनते रहिए माय एफएम, जियो दिल से। क्या बात है, बड़ा अच्छा बोलने लगे, सीख रहे हो, सीख रहे हो। अब जब से ये शो शुरू हुआ है ना, मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। नहीं, ये नहीं कि फिनवेजिया में अगर अकाउंट खोलना हो तो खोलते कैसे हैं।
तो पूछते हैं ना 94.3 एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु विच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। मुझे इतना सारा ज्ञान वेजिया मिल रहा है एंड मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी। यू नो सबसे पहले तो अच्छा फिनवेजिया में अकाउंट कैसे खोला जाए मैं बताऊं आपको, मेरे ऑफिस वाले भी पूछते हैं जो हमें कॉल आते हैं लिसनर्स की, वो यही कहते हैं कि फिनवेजिया आप करते हो कि वी आर रियली एक्साइटेड टू नो कि अगर फिनवेजिया में अकाउंट ओपन करना है तो कैसे करें। फर्स्ट थॉट मीनाक्षी वेरी सिंपल, ऑल यू नीड इज आपको अपना पैन कार्ड चाहिए और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए एंड यू कॉल अप एट आर यू नो द जनरल नंबर 01726700000 एंड दैट्स ऑल यू नीड। तो कुछ मिनिमम अमाउंट भी होता है इसमें कि इतने अमाउंट में ही आप एक अकाउंट खोल सकते हो फिनवेजिया के साथ? नो देयर इज एक्चुअली नो मिनिमम अबाउट इट, यू कैन ओपन द अकाउंट विद 100 rupees, 1000 rupees और व्हाटएवर यू नो 10,000 rupees व्हाटएवर यू फील लाइक। लाइक दिस इज ग्रेट, इट्स वेरी सिंपल टू ओपन एन अकाउंट बट व्हाट एल्स डू यू गेट विद ओपनिंग एन अकाउंट? मीनाक्षी जस्ट लाइक व्हाट यू गेट विद एनी अदर बैंक, यू नो व्हेन यू ओपन अप एन अकाउंट यू गेट योर ऑनलाइन पोर्टल, आप अपने पोर्टल में जाके 24 आवर्स यू कैन चेक की आपकी पोजीशंस क्या है, आपके बैलेंसेस क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पोर्टफोलियो की क्या है, यू बेसिकली गेट ऑल द यू नो प्रीमियम रिसर्च दैट वी प्रोवाइड ऑन आवर वेबसाइट, यू गेट ऑल ऑफ दैट थिंग्स एंड ओपनिंग एन अकाउंट विद अस हैज नो मैनेजमेंट फीस, इट हैज नो यू नो अकाउंट फीस एंड ऑल दोस थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल ताकि हर एक आम इंसान एक अपना अकाउंट ओपन करके ही कैन वॉक टूवर्ड्स बींग मोर फाइनेंशियल लिटरेट। एब्सोल्युटली फाइनेंशियल लिटरेट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट्स सो इजी, मुझे नहीं पता कितना इजी है और हमारे ऑफिस में सब पूछते रहते हैं, तो आप बहुत जल्दी बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होने वाले हैं मुझे लग रहा है। चलिए बहुत सारे अगले हफ्ते जो है उतार चढ़ाव आने वाले हैं मार्केट्स में, उसके बारे में हम जानेंगे नैटी से बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम का ये शो माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया आरजे मीनाक्षी एंड नैटी के साथ। आप ही बोलोगे जियो दिल से। जियो दिल से। 23 अप्रैल को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। नहीं मेरा बर्थडे है, इसके अलावा आपको मालूम है नैटी का भी बर्थडे 23 अप्रैल को है। आप विश कर सकते हो, देखो विश कर रहे हैं नैटी आपको हैप्पी बर्थडे, यू कैन से थैंक यू, हम दोनों का इकट्ठे बर्थडे। वेल यस, लेकिन इसके अलावा कुछ धमाका होने वाला क्या अभी पता करते हैं। 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ और आप सुन रहे हैं ये शो माय मनी गुरु व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। और यहां पर आज हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी और बहुत सारी बातें करी फिनवेजिया में एक अकाउंट ओपन कैसे करें, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में वो जानना चाहते हैं या फिर नए इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट कैसे बिहेव करेगी। मीनाक्षी एक्चुअली 23rd of April इज गोइंग टू बी यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द मार्केट, ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर्स इज योर बर्थडे, सो मार्केट्स गोइंग टू रिएक्ट टू इट, बट एट द सेम टाइम मंडे इज हॉलीडे इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज बिकॉज ऑफ ईस्टर, और वैसे ही थर्सडे इंडिया में हॉलीडे है क्योंकि मुंबई में इलेक्शंस हैं, तो इसलिए ये हफ्ता ऑलरेडी 3 दिन का रह गया मेजॉरिटी ऑफ इट। एक्सपायरेशन ऑफ द फ्यूचर contracts is on 23rd of April. Generally expiration of future contracts bring in volatility, but this is the last expiration before hame elections ka result mile, so there's going to be much more of a volatility that can come in, plus there are a lot of stocks that are going to come into the earnings kyunki earnings season shuru ho chuka hai hamara, India Bulls hai, Ultratech Cement, Yes Bank, L&T, Maruti, there are a lot of these stocks that are going to come into earnings, so I would suggest investors to stay cautious, stay out of the market if they have invested, stick with investments, don't sell them because market is up, if they have not invested yet don't go and buy into the rally, let the rally subsidize, go after 2 weeks into it. The majority of the data points that investors should look out for the week is US manufacturing data which is coming out on Wednesday, durable goods jo Thursday ko aana hai, aur consumer sentiment jo hamara Friday ko aayega, those are the main data points to look out for. Amazing, my god kitna kuch aap bata dete ho na, I think people are so prepped up after listening to you, amazing really, thank you. Alright, चलिए क्या बात है। और अगले हफ्ते ऐसी मस्ती फन शन तो होगा, मतलब देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक सब की बातें करते हैं बट फन नहीं छोड़ते अपना, नहीं। सो सुनते रहिए माय एफएम मीनाक्षी के साथ एंड मेरी यानी नैटी के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.mymoneyguru.finvasia.com पे या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, एक कॉल कीजिए और आपको सब इन्फो मिल जाएगा, दैट इज 01726700000 पे। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से yet another episode of My Money Guru 94.3 My FM पे आरजे मीनाक्षी एंड नैटी सिंह। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जियो। जल्दी।